मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर निर्णय लिया है कि वर्ष 2016 से पूर्व की स्थिति बनी रहेगी और प्राधिकरणों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार स्थगित रहेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और अरविंद पांडे होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। प्रथम बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण महामारी अधिनियम एपिडेमिक्स एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस किए जाए। ये सूचना अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो प्रवासी यहां लौटे थे बाहर से उनके खिलाफ करीब 150 के आसपास मुकदमे थे जिसमें से काफी वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन ये जनरल ऑर्डर है